सलाद तो हमको गाड़ी दिया था कौन ढकला कौन ढकला अरे तुम्हारा घर कहाँ है मेरे खेत में लगता है माधु हाँ तुमको कार जा 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 रुको रुको माधु चुप पानी गिरा दे ले बे हम जाके मम्मी के फोन करवे तो अब बताओ वो खेत में मेरे खेत में नहीं आगेगा समझा माँ से हमारे खेत में काहे हंस रहा तुम लोग काहे देख के हंसता है हम तुमको देख के थोड़ी हंस रहे हैं काहे हंसता है दोनों का अभी फाड़ देंगे ही हम यही सोच रहे थे कि दारू पीना हराम है कैसे हराम है दारू पीना कैसे हराम है अच्छा बताओ अब तुम लोग सोचने लगा कोई बात हुआ दारू पी रहा है तो बताओ हमको कैसे हराम हराम है अरे यार ये तो सही बात है दारू पीना हराम है लेकिन कैसे हराम है ये कैसे पता चला हाँ सही बात बोला चलो धकेलू सर से पूछते हैं हाँ चलो 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 देखते चलो आई देखते हैं इसका अरे कोचिंग पर क्या बता रहे हाँ धकेलू सर कहाँ है तू तो कब के पढ़ के चला चल गए घर पे बा हाँ घर पे धकेलू सर घर कब चल गए चलो देखते हैं अरे सला ये वो बात नहीं समझ में आता कि धकेलू सर कोचिंग कब से पढ़े लागल लगता कि पढ़ाई छोड़ के पढ़े लागल हो हमरो ऐसे ही लगता चलो चलो देख कोई बाकी ना हो धकेलू सर बा धकेलू सर तो है अंदर लेकिन तुम दोनों कौन हो बंदर धकेलू सर से मिले के बा ठीक है आओ रुको 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 आते हैं सर को बुलाकर जब तक बाहर बैठो सर सर हाँ कौन है रे बाबा सर आपसे मिलने के लिए आए हैं तो कौन है पता नहीं चलो चलो अरे बाप रे प्रणाम सर कौन है रे बाबा अरे बाप रे बाप रे धर रे कौन है रे अरे सर आओ रे हटो 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 यार सर तो पहले से ही नंगड़े और ऊपर से तुम भी हम बोल रहे मतलब कि दो मिनट आपसे बात कर सकते तो ऐसे बोलो ना रे बोलो क्या बात है सर एक नशेरिया के हमरा गाली दे लेस बा वही पूछेगा भाई दारू हराम काहे बा अरे लड़का लोग ये सवाल जो पूछ रहा है दारू क्यों हराम है आज से 30 साल पहले एक मेरा विद्यार्थी था वो यही सवाल पूछा था ठीक है बच्चे लोग आज तुम लोगों को दारू के बारे में पढ़ाएंगे जो दारू क्यों हराम है प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम कारे ढिरवा कब आया
अरे वाह, आओ 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 आओ, बहुत दिन बाद हो गया। सर थोड़ा एक बात पूछना था, आइए ना बाहर। ठीक है बच्चे लोग, दो मिनट रुको, पाँच मिनट में आते हैं। ठीक है, ले कुर्सी यहाँ पे लेकर, बच्चे लोग कुर्सी लेकर आओ, यहाँ पे के बाद आए हो सर। और सब ठीक है? हाँ ठीक है सर, एक जरूरी बात करना था सर। बोलो बोलो। बैठिए ना सर, बैठिए ना, बात करते हैं। अरे सर सर, अरे लड़का क्या कर दिया रे, अरे तेरे माँ का बेटा सब देखेल दिया तू, बाल चुप गया है। अरे कुछ लगता है तो कुछ घुस गया। सर खूना नहीं गिर रहा है, खूना नहीं ना गिर रहा है। अरे बाप खून गिर गया। अरे नहीं सर, बैठिए बैठिए, कुछ नहीं हुआ, बैठिए। अरे बाप रे बाप। सर एक बात पूछना था, दारू पीना क्यों हराम है सर, हमको बताइए ना थोड़ा। ठीक है बताता हूँ, पहले कुर्सी ले लो ए ढिरवा। ठीक है सर। तो ढिरवा पहले 800 बताओ क्या हाल है। 800 सर ठीक है अभी। ठीक है ना, काम ठीक चल रहा है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तुमको एक टास्क दिया जाएगा जिसमें 3 सवाल रहेगा, उस 3 सवालों को पूरा करना है। ठीक है? ठीक है सर, आप 3 सवाल दीजिए, हम उसको पूरा जरूर करेंगे। 3 सवाल है जिसमें पहला सवाल है, तुम्हारे सामने एक लड़की है, ठीक, उसको इज्जत लूटना है। क्या बताएं, बहुत बुरा हाल हुआ बच्चा का। दूसरा सवाल ये है, एक बच्चा है, उसको तुम मर्डर करना है। तीसरा सवाल ये है जी, जो तुम्हारे सामने दारू है वो पीना है, उसमें से कोई एक चीज तुमको लेना है। और ये तीनों सवाल तो ठीक है, लड़की का बलात्कार ना करना ये तो गुनाह वाला काम है, और बच्चा का मर्डर करना ये भी सर गुनाह वाला। हमको दारू थोड़ा ठीक लगता है, उसमें पानी मिला के पी सकते, लेकिन सर हम सोच के बताएंगे। ठीक है, सोच के बताना। ठीक है सर, ठीक है सर, चलते हैं। लेकिन सर एक बात पूछना था सर आपसे। पूछो। सर आपका नाम धकेली क्यों है, कोई पूरा कस के धकेल दिया था क्या? बहुत कस के धकेल दिया था, ऊ अकरे माँ का जो बेटा धकेल दिया। सर कहाँ धकेल दिया? अरे अभी तो तुम्हारा बचपना नहीं गया, अरे पुल के नीचे ने धकेल दिया, तब ना पैर टूट गया, जा हो गया चुट्टा कहीं का। ठीक है सब चलते, प्रणाम सर। अरे टूटा हूँ।